हाँ तो दोस्तों, अब हम निकल गए हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन के लिए, जो कि होने वाली है धनौल्टी। और कल पूरी रात बारिश पड़ने की वजह से मौसम और खतरनाक हो गया है। तो अभी तो मसूरी में ही इतना कोहरा आ गया है, तो जब ऊपर जाएंगे तो और ज़्यादा होने वाला है। आगे वीडियो में देखते रहिए, मज़ा आने वाला है आपको भी। और वेदर बहुत तगड़ा हो रहा है। धनौल्टी हाईवे पे आए और यहाँ पर आते साथ ही हल्की हल्की बारिश होनी शुरू हो गई है, तो फटाफट हम कहीं पे कैफ़े देखते हैं, क्योंकि हमें भूख भी लग रही है। सुबह से हमने चाय पी थी और अब कुछ नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर आगे का रूट कंटिन्यू करेंगे। और मौसम देख रहे हो कितना बढ़िया हो गया है और सब ग्रीन ग्रीन हो गया है, क्योंकि बारिश की सारी धूल जो थी सब साफ़ हो गई है। अब फटाफट कोई कैफ़े ढूंढते हैं और कुछ खाते पीते हैं। तो ब्रेकफास्ट हम लोगों ने कर लिया है, अब हम निकल रहे हैं आगे के लिए। और जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो नज़ारे आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त होते जा रहे हैं। कोहरा और नीचे आ जा रहा है और नज़ारे और बेहतरीन होते जा रहे हैं, तो नज़ारों का मज़ा लें। पीछे इनकी लड़ाई हो गई थी कि बाइक मैं चलाऊंगा, बट अब शॉर्ट हो गया है और इन्होंने डिसाइड करा कि आधे आधे रूट हम बाइक चलाएंगे। ओ भाई साहब, कोहरा देख रहे हो आप, कोहरा कितना ज़्यादा हो गया है, बिल्कुल विजिबल नहीं हो रहा है सामने। इतना ज़्यादा कोहरा हो गया कि रोड बिल्कुल बस पास की दिख रही है, आगे तो बिल्कुल धुंध हो गया, कुछ भी नहीं दिख रहा। और बस कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, बहुत संभल के चलानी पड़ेगी गाड़ी। और अभी धनौल्टी आए नहीं है, धनौल्टी जब पहुंचेंगे तो क्या सीन होने वाला है। धनौल्टी अब बस यहाँ से 2-3 किलोमीटर रह गया है, तो पीछे बहुत अच्छी लोकेशन थी तो हमने सोचा थोड़ा फोटोशूट कर लें, तो कुछ सिनेमेटिक्स आपको भी दिखाया हम लोगों ने। और कोहरा जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं और ख़तरनाक हो गया है। बस अब हम पहुँच गए हैं धनौल्टी, तो एंजॉय करें धनौल्टी के सीन।